हाँ तो दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 17% से बड़ा है और ये नंबर आया है 555 करोड़ पे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लगभग 80 करोड़ से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 267% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। एक्चुअल में ये नंबर थोड़ा मिसटाइप हो गया, ये नंबर 247% से बड़ा है और ये नंबर आया है 555 करोड़ पे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल की सेम क्वार्टर में लगभग 150 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का था और अभी ये नंबर आया है 555 करोड़ पे। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 3.5 गुना यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 0.18% से हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 3.18% पे और काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर्स यहाँ पे बैंक के नजर आते हैं। अब अगर हम नेट एनपीए के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 1.09% पे आया है जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 1.30% पे, यानी कि 0.21% यहाँ पे जो बैंक का नेट एनपीए का नंबर है वो में इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो नेट एनपीए का नंबर यहाँ पे काफी अंदर कंट्रोल है और ये जब 1% से कम हमें होता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे जो बैंक की प्रोविजनिंग है वो हमें काफी कम होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है तो आपको लगा होगा कि आपको ये लग रहा होगा कि जो बैंक की प्रोविजनिंग के नंबर्स हैं वो यहाँ पे कम हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो बैंक का प्रोविजनिंग का नंबर है वो क्वार्टरली बेसिस पे हमें यहाँ पे 38% से बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 110 करोड़ से यहाँ पे बैंक की जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो आप बोलोगे कि इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग क्यों की है? देखिए, यहाँ पे एग्रेसिवली अपने जो नेट एनपीए के नंबर्स है उसे 1% के नीचे के कंफर्ट लेवल पे यहाँ पे बैंक की ले जाने की कोशिश है, फिर उसके बाद में जो प्रोविजनिंग का नंबर रहेगा वो आने वाले टाइम पे काफी कम हो जाएगा और वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर ये नंबर 100 करोड़ से हमें कम होता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे 650 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स है कंपनी के वो हमें देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स यहाँ पे अच्छे हैं और इसका जो मेन रीजन है एक तो ये कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है लगभग 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ती हुई नजर आई है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे भी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो लगभग हमें 8 या 9% हमें बढ़ती हुई नजर आई है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर इतना अच्छा ग्रोथ हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में अगर देखने को मिलेगा तो वहां पे डेफिनेटली कंपनी का जो बैंक का जो इनकम है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके अलावा आपको पता होगा कि जो बॉन्ड यील्ड का जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बैंक के तो वहां पे थोड़ा बहुत जो इनकम का सेटलमेंट होता है उसकी वजह से भी यहाँ पे जो बैंक का नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ऑल ओवर ब्रॉडर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं और पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम प्रॉफिट को मिला के अगर हम बात करेंगे तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा के नेट प्रॉफिट कंपनी के हो चुके हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 474 करोड़ पे और अभी ये नंबर आया है 555 करोड़ पे। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये नंबर लगभग 1030 करोड़ के लगभग हमें होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, लगभग अगर हम 2-3% की अगर हम ग्रोथ अगर हम मान के चलते हैं, यानी कि ऐसा हम मानते हैं कि आने वाले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 2-3% से नेट प्रॉफिट के नंबर्स बैंक के बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 2200 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अभी करंटली ये कंपनी 15 KP ratio पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है अगर हम फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, और उसके हिसाब से अगर हम मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मैनेजमेंट ये टारगेट दे रही है कि लगभग 25% से उन्हें अपनी जो लोन बुक है उसको उन्हें लगातार बढ़ाता जाना है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 25% की ग्रोथ अगर ये बैंक अचीव कर पाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट से 20-25 KP ratio मार्केट से देगा और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी लगभग 15 KP ratio पे ये बैंक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि लगभग ये जो अगले साल का फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो जब तक ये 70 रुपीज तक हमें IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अभी थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली लगभग 28-29 रुपए के लगभग का लो बनाया था और वहां से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। तो अभी इंडसइंड बैंक भी लगातार भाग रहा था, उसके जब नंबर आए थे तो उसके बाद में 5-6% का करेक्शन हमें देखने को मिला था, तो वो चीजें यहाँ पे भी होती हुई हमें नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है
अगर आपका एक साल का होराइजन अगर है तो मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25% के जो गेंस है वो आपको IDFC फर्स्ट बैंक में एक साल के होराइजन से मिल सकते हैं। यानी कि एक साल के हिसाब से लगभग 70 के टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं, और काफी लॉन्ग टर्म मनी से अगर आपको लेना है 5-10 साल के हिसाब से तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।